संसद में इन दिनों बहस कम हो रही है, किस पे? किसी बजट पर, किसी कह सकते हैं देश विकास पर, लोगों के हित के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए, इन सब बातों पर बहस कम हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, कभी जाति पर सवाल हो रहा है, कभी कोई भगवान की फोटो लहरा रहा है, कभी कोई कह रहा है कि ये मुझे गाली दे रहे हैं, और ये भी देखा जा रहा है जो दूसरों पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे आज खुद घिरते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले राज्यसभा के उपसभापति ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन के नाम से संबोधित क्या कर दिया, मैडम तो एकदम बौखला गई, चिल्लम चिल्ली करने लगी, बोलने लगी कि भैया जया बच्चन ही काफी है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पति के बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और अब जब बहुत गाली खाली सोशल मीडिया में, शायद घर में अमिताभ बच्चन ने भी ललकारा होगा, तो मैडम संसद में अपने बोल को पलटी मार करते हुए कहती हैं कि मैं जया अमिताभ बच्चन, उस पर बड़ी खिलखिला जाती हैं, और जगदीश धनखड़ जी भी बड़े जोर से खिलखिला देते हैं। फिर उसके बाद वो पूछती भी, आपने लंच किया क्या? तो वो कहते हैं कि लंच तो नहीं किया, लेकिन जयराम रमेश जी के साथ लंच के बाद में लंच किया, और फिर वो मुस्कुरा देती हैं। तो ये मुस्कुराहट के पल लगातार जारी रहते हैं, उसके बाद क्या होता है पता है आपको? पति जया अमिताभ बच्चन जी, प्लीज सर, सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता, यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं, चूंकि यहाँ नाम दर्ज है, नहीं नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में। सर मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं, आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं हो। अब एक चीज बताऊं, लाइट नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया, एंड लेट मी टेल दी डिस्टिंग्विश ऑनरेबल मेंबर, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। और उसके बाद जगदीश धनखड़ जी तो भैया अपने दिल की बात कही देते हैं कि क्या करूं क्या कहूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि मैं अमिताभ बच्चन का भी बहुत बड़ा फैन हूँ और आपका भी, फिर क्या था, शर्मा सी जाती हैं, मुस्कुरा सी जाती हैं। वैसे इनका हंसना दुनिया का नौवा अजूबा है, क्योंकि ये हस्ती कम है लोगों पर, समझ रहे हैं ना, एकदम अटैक कर देती हैं कैमरामैन पर, रिपोर्टर पर, सबको बिहेवियर सिखाती रहती हैं और खुद के बिहेव के बारे में कभी नहीं बता सकती। इनकी लड़की हो, इनकी पोती हो, इनके बिहेवियर पर ध्यान नहीं देती है मैडम, लेकिन दुनिया को सीख सिखा देती है। वैसे इनके पति देव हैं, इनके पति देव को पल्लू लगाई हुई जो महिला है वो प्रगति में बाधक लगती है, लेकिन नकाब और बुर्का पहनी हुई महिला संस्कारों से जड़ी हुई लगती है। पूरा खानदान जो है ना, पूछिए मत, जब तक सोशल मीडिया पर ट्रोल नहीं होंगे तब तक हम कुछ काम करेंगे नहीं। हिंदू देवी देवताओं के त्योहारों में पहले तो ये शुभकामनाएं देते नहीं थे, अब जब से ट्रोल हो रहे हैं तब से दे रहे हैं भैया। और उसके बाद ये मैडम, इनका तो बिहेवियर देख के ही लगता है कि भगवान कैसी हैं ये। वैसे सोनिया गांधी के साथ खूब खिल्लम खिल्ली करती हूँ, हस्ती पाई जाती है, समझे आप।